राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज हम जन्माष्टमी पे खीरे का क्या महत्व होता है उसी के बारे में बताएंगे कि जन्माष्टमी पे खीरे का क्या महत्व होता है। तो भक्तों, हमने ये खीरा ले लिया है और खीरा डंठल वाला ही होना चाहिए। पता नहीं, कई बार मिलते भी नहीं है, तो आप वैसा भी ले सकते हो। वैसे अगर डंठल वाला मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें खीरे से करवाना क्या होता है जन्माष्टमी पर, आप जन्माष्टमी पर खीरा ज़रूर लेके आएं और लड्डू गोपाल जी के पास रखना है आपको ये खीरा। तो इससे हम जन्म करवाते हैं लड्डू गोपाल जी का, रात को करवाते हैं हम जन्म, 12 बजे के बाद जन्म करवाते हैं खीरे से। तो हम या तो आप आपके पास जैसे शाम को 7 बजे करीब खीरा रखना, एक टोकरी ले लेनी है। टोकरी में या तो आपके पास छोटे लड्डू बाबू हैं उसमें लिटा दीजिए उनको, और ऊपर से फूल रख दो और एक खीरा रख देना है टोकरी में। जब फिर रात के 12 बज जाएं जैसे, तो उसके बाद हमें करना क्या है, तो हमें एक सिक्का ले लेना है और सिक्के की हेल्प से हमें रात के 12 बजे के बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाना है। हमें सिक्के की हेल्प से ये खीरा काट देना है। तो ये खीरा कट चुका है बीच में से। तो जैसे बच्चे की जो नाल होती है, जो अलग करते हैं माँ से और बच्चे को अलग कर देते हैं जब पैदा होता है बच्चा, ऐसे ही हमें ये खीरा काटना होता है। तो ये अलग हो चुका है और ये खीरा सब प्रसाद के रूप में सब ग्रहण कर लें घर में। और भक्तों, अगर आपके पास छोटे लड्डू गोपाल हैं नहीं है, तो आप जैसे सालीग्राम जी भी ले सकते हैं, सालीग्राम जी को भी सुला सकते हैं शाम को 7 बजे। जैसे मैंने बताया है, शाम को जन्माष्टमी के दिन शाम को 7 बजे या तो आप लड्डू गोपाल जी को लिटा दें या फिर सालीग्राम जी को भी लिटा सकते हैं टोकरी में, और उनके ऊपर फूल रख दें और साथ में खीरा रख दें। तो भक्तों, खीरे का यही महत्व होता है, खीरा हमें जरूर रखना है जन्माष्टमी पे, और 7 बजे इनको सुला देना है और रात को जन्म करवाना है। तो भक्तों, जब जन्म करा दें खीरे से, या तो आप लड्डू गोपाल का कराएंगे या फिर सालीग्राम जी का, जिसका भी आपको कराना है, उसके बाद हमें कराना है पंचामृत से स्नान, वो भी आप जरूर कराएं। इस जन्म होने के बाद स्नान भी जरूर कराना है। फिर उसके बाद लगाना है हमें शहद का भोग लगाना है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो हम सबसे पहले शहद खिलाते हैं उसको, शहद चटाते हैं जैसे, तो सबसे पहले आप शहद का भोग लगाएं। शहद के बाद आप फिर माखन मिश्री रख सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं बना के। और भक्तों, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, जो हम 56 भोग बनाते हैं ना, वो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं बनाते, क्योंकि उस दिन हमें इनका जन्म कराना होता है। तो हम बनाते हैं युगल सरकार के लिए 56 भोग। बहुत से सवाल पूछते हैं कि भाई 56 भोग लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं तो 56 भोग किसके लिए बनता है? तो वो बनता है युगल सरकार के लिए। जो 56 भोग बनता है वो युगल सरकार के लिए बनता है। लड्डू गोपाल जी को तो हम सबसे पहले शहद ही चटाते हैं, जब इनका जन्म हम कराते हैं रात को, पंचामृत से स्नान करा के शहद चटा के उसके बाद हमें झूले में बिठाना है, फिर हमें झूला झुलाना है। और भक्तों, जन्माष्टमी पे लकड़ी की बांसुरी का भी बहुत महत्व होता है। हमें लकड़ी की बांसुरी भी लेके आनी होती है, तो ये बहुत शुभ होती है। आप ऐसी लकड़ी की बांसुरी लेके आए जन्माष्टमी पे, अगर कोई गिफ्ट देता है तो वो और भी अच्छी होती है। तो ये हमें अपने मंदिर में रखनी होती है या फिर हमें अपने ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, तो ये काफी अच्छी होती है घर में रखनी। या फिर अपने गेट के बाहर दो क्रॉस करके, जैसे एक बांसुरी ये है, एक और ले लें क्रॉस करके, अपने गेट के बाहर भी लगा सकते हैं। तो आप बांसुरी भी लेके आए लकड़ी की, ऐसी वाली छोटी तो होती है लड्डू गोपाल की, आप ऐसी बांसुरी का भी बहुत महत्व होता है। तो भक्तों, ये मैंने बताया कि खीरे का क्या महत्व होता है और आपको ये लकड़ी की बांसुरी भी लानी है। तो भक्तों, यही थी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।